समूचे विश्व में गौरवशाली परंपराओं के धनी अपने भारत की संस्कृति का परिचय देकर गौरव बढ़ाना ही अब मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य, उक्त बातें कही हैं वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड धारी सेफ लता टंडन ने। लता पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है और उक्त बातें कही हैं कि भारतीय महिलाओं बेटियों के अंदर उनका आत्मविश्वास जगाकर उनके आत्मबल के हिमालय से परिचय कराने, उनको सार्थक भूमिका निभाने को दूसरा लक्ष्य बताया। लता ने कहा कि भारतीय व्यंजनों की व्यवस्था के पौष्टिक पक्ष को विश्व मंच पर उजागर करना उनका लक्ष्य है, साथ ही अनावश्यक रूप से होने वाले खाद्यान्नों की हानि से समाज को बचाना है। पत्रकार वार्ता में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में अपना नाम दर्ज कराने वाली प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला लता टंडन ने 3 वर्ष की कर्म यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुजरे वर्षों में उनकी आंखों में चैन की नींद कभी नहीं रही। आइए आपको सुनाते हैं लता टंडन ने क्या साझा किया है। आवश्यकता तो नहीं थी ऐसी कुछ, उद्देश्य ये है कि गिनीज हुआ। गिनीज के बाद मैंने लगभग रीवा छोड़ ही दिया क्योंकि इंदौर शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, मोर एक्सपोजर फॉर रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग, काम के लिए एंड ऑल। बट अपनी मिट्टी से तो जुड़ी हुई हूँ हर हिसाब से, क्योंकि कभी भी कोई भी अचीवमेंट होता है तो नाम तो रीवा का ही है, है ना। पहले रीवा की बेटी, विंध की बेटी, अब ऐसा हो गया है कि अब देश की बेटी हो गई हूँ, ऐसा वाला हिसाब किताब है। बस ये पत्रकार वार्ता का ये था कि कई दिनों से इंट्रैक्शन नहीं हुआ था आप लोगों से, क्या डेवलपमेंट हुआ गिनीज के बाद, क्या किया, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि एक्चुअली क्या चल रहा है लाइफ में। तो बस ये था कि इंदौर जाने के बाद एक्सपोजर्स अच्छे मिले हैं, खाने को लेके, लोगों को लेके इंदौर ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, बहुत अच्छे से। और अभी अभी लेटेस्ट इंटरनेशनल टेडेक्स, अगर आप मतलब टेडेक्स इज़ अ इंटरनेशनल स्पीकर लेवल, जिसमें इनवाइट किया गया था एज अ स्पीकर मुझे, और उसमें भी गिनीज की जर्नी को लेके उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बोला, अचीवमेंट्स के लिए बोला, जहाँ बहुत ही बड़े सम्माननीय स्पीकर्स आए हुए थे और उनके बीच मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और बहुत जल्द टेडेक्स के मंच पे भी वो इंटरनेशनली यूट्यूब पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था रीवा के लिए, ये था कि डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये सब यही था। एक्चुअली आई एम इनटू सोशल सर्विस आल्सो, मैंने 2 मुहिम स्टार्ट की हैं। पहली मुहिम मेरी ये है कि #anyonecancook के अंतर्गत मैं लोगों को ये जागरूकता फैला रही हूँ कि चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी वर्ग हो, हर किसी को बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। जैसे कि स्विमिंग, स्विमिंग एक ऐसी प्रतिभा होती है जो आपकी जान बचाने के काम आती है। कई देशों में स्विमिंग को कंपल्शन करके रखा हुआ है, अगर आपको पता होगा तो। तो कुकिंग को मैं इस तरह से करना प्रमोट करना चाहती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा या बच्ची जब घर से निकलता है, अपने घर को छोड़ के निकलता है, तो जिस भी देश या जिस भी प्रदेश में कहीं पर भी वो पढ़ाई कर रहा होता है, उसको घर के बाहर का खाना खाना पड़ता है, होटलों का खाना पड़ता है, रेस्टोरेंट्स का खाना पड़ता है, और कई वजह से ये बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। क्योंकि कितना साफ़ सफाई होती है ये कोई नहीं जानता, हम कहाँ का खाना खा रहे हैं, बच्चे सस्ता ढूंढते हैं और सस्ते के चक्कर में कई बार फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं बच्चे, और कई बार अपनी इतनी बीमारियों के चलते या इस तरह के स्ट्रगल के चलते वो घर वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के। तो मैं इन बच्चों के लिए या इन लोगों के लिए इवन, मतलब मैं आपको फोर्सफुली बताऊंगी कि जैसे पहले ये होता था ना कि घर में हम लड़कियों को बोलते थे भाई खाना खाना या खाना बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी आगे की ज़िंदगी इस पर बहुत डिपेंड करती है, उसी तरह से लड़कों के लिए भी अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो #anyonecancook के ज़रिए ये एक मैसेज मैं यूट्यूब और इंदौर में भी कई सेमिनार्स कर रही हूँ जिसमें ये आ रहा है कि #anyonecancook मतलब everyone should cook for themselves। कम से कम 20 से 30 ऐसी डिशेस जो आपको सर्वाइव करने के काम आएंगी वो सीखना अनिवार्य है, ये मैं ऐसा प्रमोट कर रही हूँ अपने इस मुहिम के ज़रिए। जी बहुत से अवेयर ग्रुप्स हैं, मैं रीवा का इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ नहीं, यहाँ की अवेयरनेस का नहीं पता कि यहाँ ग्रुप्स है कि नहीं है सर्वाइविंग। वहाँ सोल स्पेस करके या वेस्ट फूड करके या कई तरीके के हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मेरे मालवा ग्रुप है जो हम लोग थार के ज़रिए जहाँ जहाँ अवेयरनेस भी कर सकते हैं, उस ग्रुप में भी मैंने ये डाल के रखा कि हम जहाँ जहाँ जाएँ अवेयरनेस को लेके जाएँ, फूड शुड नॉट बी वेस्टेज। आपको पता है कई लोगों ने इंदौर में पूरे जीवन पर्यंत की प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो प्लास्टिक को छुएंगे नहीं। जनक पाल्टा मैम है, अगर आप लोग उनके बारे में जानते हो,
अगर आप उनको बुके दोगे तो वो छुएंगे नहीं क्योंकि वो प्लास्टिक में रैप्ड होता है, वो बॉटल पानी नहीं पिएंगे क्योंकि वो प्लास्टिक की बॉटल होती है। ये मुहिम हमने शुरू कर दी है, वी हैव टू अवॉइड। मटके का पानी जहर होता है, क्यों नहीं पियोगे भाई? मटके का पानी स्टील के ग्लास में क्यों नहीं पियोगे? क्यों प्लास्टिक की बॉटलें ही आपको चाहिए होती? क्योंकि उससे प्लास्टिक एमिशन होते हैं, कितना वेस्टेज होता है। इंदौर में हर तरीके के टिश्यूज बंद कर दिए गए हैं, रिसाइकल्ड बॉक्सेस आ गए हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस को बैन कर दिया गया है। तो ये सारी मुहिम जो है ये एक शहर की नहीं है, ये हर किसी को देखना होगा। और आपको बताओ, ये शुरुआत आपके घर से होगी। आज आप जब अपने घर जाओगे ना, आप अपनी वाइफ से पूछिएगा कि जो फूड बिन है, सूखा और गीले कचड़े वाला जो डब्बा है, एक बार गीले कचड़े को 24 घंटे बाद देखिएगा ज़रूर कि उस डब्बे में गीला कचरा कितना आया। एक बार देखिएगा ज़रूर, किलोज में होगा वो, किलोज में। तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, वो फूड वेस्ट हो रहा है। हम लोग ये तक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तरबूज है या खरबूजा है, उसकी छिलके की भी डिशेस बना के हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि छिलका भी बिन तक नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें टॉक्सिक हैं वो हटा दी जाए, लेकिन जो टॉक्सिक नहीं है, जो खाने लायक है, फ्रॉम भाई नींबू का छिलका, उसको सुखा के हम लोग डिटर्जेंट्स बना रहे हैं, नारियल का छिलका, उसको सुखा के हम लोग पाउडर बना रहे हैं जिससे बर्तन धोए जाए, ताकि आपको डिटर्जेंट्स, जो केमिकल डिटर्जेंट्स हैं, वो यूज़ ना करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ से शुरू हो चुकी हैं और हम लोग इसमें हैं, वी आर इन टू इट ऑनली।